लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर से अब धार्मिक नगरियां भी अछूती नहीं है। ताजा मामले में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन MS महला ने बताया कि कुरुक्षेत्र की एकता विहार कॉलोनी से 2 अड़नी गांव, उमरी समरपुर, सेना सैदा, ब्रह्म सरोवर, रेलवे कॉलोनी और लाड़वा से एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। CMO ने बताया कि इन मरीजों के मिलने के बाद जिले में कुल 28 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके साथ ही जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 32 हो गई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। आज हमारे जिला कुरुक्षेत्र में 9 केस नए आए हैं, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ। एक केस उमरी चौक का है, जो एक पहले विजय के पॉजिटिव केस था, ये उसके कॉन्टैक्ट का है, उमरी गाँव का रहने वाला था, जो कि दिल्ली से आया था। दूसरा केस एक इधर सेना शायद में है, ये TB का पेशेंट है, इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी टीम गई हुई हमारी, इसका क्लियर पता कर रहे हैं इसका कहाँ से पॉजिटिव हुआ है। तीसरा केस ये दिल्ली से आया है केस, हंसराज आश्रम में रह रहा है। चौथा केस हमारा विलेज समसपुर में है, ये एक दुबई से आया था एक लड़का जो पॉजिटिव था, ये उसका फादर है, उसका कॉन्टैक्ट का है। पांचवा केस रेलवे कॉलोनी से आया है, जो कि जयपुर से आया था। और छठा केस एकता विहार कुरुक्षेत्र से है, ये को पॉजिटिव केस का कॉन्टैक्ट है, और एक इसकी मदर है, ये भी पॉजिटिव केस के, दोनों पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट है दोनों। और ये आठवां केस, ये भी पॉजिटिव केस का कॉन्टैक्ट है, अडोनी गाँव से। और एक नौवा केस है गोविंदगढ़ लाडवा से, ये भी पॉजिटिव केस का कॉन्टैक्ट है। तो डॉक्टर साहब, कुल एक्टिव केस कितने हो गए? कुल एक्टिव केस हमारे 28 हैं अभी। और डॉक्टर, टोटल कंटेनमेंट जोन कितना? टोटल कंटेनमेंट जोन अभी तक 26 हैं, और 6 कंटेनमेंट जोन आज बन जाएंगे हमारे, 32 कंटेनमेंट जोन हो जाएंगे टोटल। भारत 9 के लिए कुरुक्षेत्र से दर्शन कैच की रिपोर्ट।